हेलो किड्स, हाउ आर यू टुडे? माई सेल्फ डॉक्टर संतोष। आई नो यू ऑल आर बोर्ड टुडे, नॉट टुडे, फ्रॉम लास्ट 1.5 month यू ऑल आर सिटिंग एट होम प्लेइंग विथ योर मॉम, डैड, ग्रैंड पा, ग्रैंड मॉम, एंड यू आर बोर्ड, यू वॉन्ट टू कम आउट, आई नो दैट, राइट? सो लेट्स जस्ट हैव अ फन टूडे, राइट? माई नेम इज डॉक्टर संतोष एंड आई एम हियर विथ यू। वी विल लर्न समथिंग न्यू हियर। सो एंड यू फील बोर्ड लाइक दिस, राइट? सो डोंट फील स्लीपी, जस्ट गेट अप फ्रॉम योर बेड। वी विल हैव सम फन टूडे, राइट? सो वी विल हैव अ न्यू टास्क टूडे, ओके? सो वॉट शुड वी डू? वी विल थिंक अबाउट दैट, जस्ट स्टार्ट थिंकिंग, ओके? सो थिंक अबाउट वट वी लर्न टूडे। चलो सोचो, एवरीबडी हैज टू थिंक, वी हैव टू लर्न समथिंग, ओके? सो द फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग आई वॉन्ट यू टू थिंक, चलो नाउ वट वी विल डू, वी विल थिंक कि हमें क्या करना है आज, कुछ नया करते करके, राइट? सो फर्स्ट ऑफ ऑल, एवरी टाइम वेन एवर यू गो समवेयर एंड और अगर आपके घर में कोई और लोग आते हैं, राइट? सो दे विल आस्क यू फन क्वेश्चन, राइट? एंड वट इज दैट क्वेश्चन? ओके, सो व्हाट इज योर नेम? द सेकंड क्वेश्चन इज कि आप कहाँ रहते हो, वेयर आर यू फ्रॉम? दे विल आस्क यू व्हाट, वेयर आर यू फ्रॉम? सो यू विल से आई एम फ्रॉम दिस प्लेस, आई एम फ्रॉम दैट प्लेस। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे विल आस्क यू, राइट? व्हाट इज द नेम ऑफ योर कंट्री? सो इफ यू आर फ्रॉम इंडिया, यू कैन से आई एम फ्रॉम इंडिया। सो देर आर सो मेनी कंट्रीज इन अवर वर्ल्ड, राइट? सो हाउ मेनी कंट्रीज? लॉट ऑफ कंट्रीज, बट देर इज अ वन वर्ड। टूडे वी विल गो फॉर दैट वर्ड। एंड वट इज द नेम ऑफ दैट वर्ड? कॉन्टिनेंट्स। वट इज द नेम ऑफ दैट वर्ड गाइज, स्टूडेंट्स? दैट इज कॉन्टिनेंट्स। सो डू यू हर्ड दिस वर्ड? कॉन्टिनेंट्स, CONTINENTS, NTS, ओके? दिस इज कॉल्ड कॉन्टिनेंट्स। सो व्हाट इज कॉन्टिनेंट्स? हम लोग क्या देख रहे हैं? कॉन्टिनेंट्स, वी आर नॉट सीइंग द कंट्री। व्हाट इज द डिफरेंस, ये कॉन्टिनेंट्स और कंट्री में क्या डिफरेंस है? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? तो इंडिया तो हो गया हम लोगों का कंट्री, राइट? फिर कॉन्टिनेंट्स क्या है? व्हाट इज बेसिकली द कॉन्टिनेंट्स, ओके? सो व्हाट इज कॉन्टिनेंट्स? कॉन्टिनेंट्स यानी कुछ 8-10 कंट्री या 30-40 कंट्री जो मिलकर एक कॉन्टिनेंट्स बनाते हैं। व्हाट इज कॉन्टिनेंट्स? कॉन्टिनेंट्स इज द मैसिव लैंड ऑन द अर्थ। व्हाट इज मैसिव? बहुत बड़ा लैंड ऑन द अर्थ, राइट? दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? इफ यू सी योर अर्थ, तो आप लोगों ने देखा है ऑन अर्थ यू आर सीइंग ओनली टू थिंग। लेट्स अस हैव अ लुक टुगेदर, राइट? सो अभी आप लोगों का थिंकिंग हो गया, ओके? सो थिंकिंग फिनिश, नाउ यू शुड बी मोर हैप्पी। नाउ यू गॉट द रीजन व्हाई यू आर लिसनिंग दिस लेक्चर। एंड व्हाट इज द लेक्चर? एवरीबडी नो वी आर लर्निंग टूडे व्हाट? कॉन्टिनेंट्स। व्हाट इज कॉन्टिनेंट्स? वन मोर टाइम, कॉन्टिनेंट्स आर द मैसिव लैंड ऑन द अर्थ, यानी अर्थ के ऊपर बहुत सारी कंट्री मिलाकर एक बड़ा सा मैसिव लैंड बनाते हैं, और उस लैंड को हम लोग क्या बोलते हैं? कॉन्टिनेंट्स। वी आर सीइंग दैट देयर आर हाउ मेनी कॉन्टिनेंट्स? देयर आर 7 कॉन्टिनेंट्स, ओके? इट्स वेरी इजी। हाउ मेनी डेज अ वीक? 7 डेज अ वीक। हाउ मेनी कॉन्टिनेंट्स ऑन द अर्थ? 7 कॉन्टिनेंट्स ऑन द अर्थ। सो टुडे वी आर लर्निंग व्हाट? कॉन्टिनेंट। सो एवरीबडी इज हैप्पी, समथिंग न्यू, राइट? इट इज नॉट लाइक विच कंट्री यू आर फ्रॉम, इट इज which continent you are from, right? It is something new word. What is the name of that word? Continents. How many continents? 7 continents, okay? One more time. How many? 7 continents. How will you remember? How many days a week? 7 days a week. How many continents on the earth? 7 continents on the earth. If you see the earth, हम लोग जो है ये अर्थ में है, अर्थ के ऊपर रहते सारे लोग, and then there are two things on the earth, land and water. Okay, land and water, and the lands are called the continents. Now we will see how the earth
लेट अस ऑल सी अवर अर्थ, दिस इज अवर अर्थ, आई विल मेक इट बिगर सो वी कैन सी क्लियरली. ये सेवन कॉन्टिनेंट वाला ये निकाल देता मैं. ओके एंड आई नो यू ऑलरेडी आर हैप्पी, सो आई विल जस्ट टेक आउट दिस स्माइली ऑल्सो. सो अभी इधर देखो, एवरीबडी जस्ट हैव अ लुक. चलो व्हाट इज दिस, दिस इज अवर अर्थ. ओके इफ यू सी दिस इज अवर अर्थ, थोड़ा छोटा करते हैं. ओके सो अर्थ, दिस इज अवर ग्लोब, हम लोग यहां रहते हैं. ओके एंड इफ यू सी हियर दिस ब्लू पार्ट, ये सारा जो ब्लू है ये क्या है, दैट इज वॉटर. एंड रेस्ट ऑफ द पार्ट ये थोड़ा लैंड जैसा लग रहा है, थोड़ा ग्रीन है. दिस इज द मैसिव, बड़े बड़े लैंड है ये ऑन अर्थ. ये टोटल जो हमारा ग्लोब है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, अर्थ, ई ए आर टी एच, दैट इज कॉल्ड अर्थ. और अर्थ में ये जो ब्लू कलर का है, व्हाट इज दैट, दिस इज वॉटर. एंड व्हाट अबाउट दिस वन, दीज आर लैंड. तो आप थोड़ा सा इसे बड़ा कर देते, वी विल मेक इट एन लार्ज. इफ यू सी हियर दिस इज अवर कंट्री, ये जो हमें यहां दिख रहा है व्हाट इज दिस, दिस इज अवर कंट्री. सो दिस इज अवर कंट्री इंडिया. ओके दैट इज इंडिया. बट there is one more country close to the India here. Okay, this is China. Here Bangladesh, Pakistan, Afghanistan. So there are lot of country in this particular area. एक area में बहुत सारे countries है और ये सारे इतने एरिया को हम लोग क्या बोलेंगे, continents. क्या बोलेंगे हम लोग, continent. Okay, so थोड़ा सा हम लोग नीचे करते हैं. यू कैन सी इधर से वॉटर है, इधर से वॉटर है, फ्रॉम दिस साइड देर इज अ वॉटर, फ्रॉम दिस साइड देर इज अ वॉटर, एंड दिस ह्यूज लैंड इज कॉल्ड कॉन्टिनेंट्स. क्या बोलते हैं हम लोग इसको, कॉन्टिनेंट्स. व्हाट इज कॉन्टिनेंट्स, कॉन्टिनेंट्स इज मैसिव लैंड ऑन अर्थ, बहुत बड़ी लैंड ऑन द अर्थ. और छोटी छोटी सारी कंट्री मिला के एक कॉन्टिनेंट बना है अर्थ के ऊपर. अभी हम थोड़ा सा ग्लोब को इधर रोटेट करेंगे. सो देखिए, देखो दिस इज वन मोर कॉन्टिनेंट, जो इधर से भी ओशन है, यहाँ भी ओशन है, यहाँ पर उसका बाउंड्रीज है. इसको थोड़ा सा इधर कर देते, राइट. सो थोड़ा सा छोटा कर देते, सो यू कैन सी ये सारी तरफ से ओशन से बाउंड्री हो चुका है. सो दिस इज वन मोर कॉन्टिनेंट. तो ऐसे कितने कॉन्टिनेंट्स है, सेवन. वन मोर टाइम, हाउ मेनी कॉन्टिनेंट, सेवन. ओके चलो एवरीबॉडी जस्ट रिमेम्बर, हाउ मेनी कॉन्टिनेंट, सेवन कॉन्टिनेंट ऑन योर होल. तो देखो हम लोग थोड़ा सा ग्लोब को घुमाते, देखो एक नीचे अलग से कॉन्टिनेंट है, यहां पर एक कॉन्टिनेंट है, राइट. अभी मैंने थोड़ा सा इधर रोटेट किया अर्थ को, यहां पर एक कॉन्टिनेंट है, यहां पर एक कॉन्टिनेंट है, हमारे इंडिया वाला ये कॉन्टिनेंट है, राइट. तो हर कॉन्टिनेंट के अपने अपने नाम हैं. टोटल हाउ मेनी कॉन्टिनेंट, सेवन कॉन्टिनेंट्स, राइट. हाउ मेनी, सेवन. कैसे याद रखना है आपको, सेवन डेज अ वीक कॉन्टिनेंट्स आर सेवन. ओके एंड दे आर प्रेजेंट ऑन द अवर ग्लोब. तो हम लोग अभी देखते हैं उनके नाम देखते हैं, राइट. सो अवर अल्फाबेट, आपका जो अल्फाबेट है ए बी सी डी कहाँ से स्टार्ट होता है, व्हाट इज द फर्स्ट लेटर ऑफ यूर, राइट, दैट इज द ए. सो कॉन्टिनेंट में सबसे पहले वाला कौन सा है, दैट स्टार्ट फ्रॉम द ए. व्हाट इज द नेम ऑफ फर्स्ट कॉन्टिनेंट, कैपिटल में लिखते हैं हम लोग, दैट इज ए एस आई ए, एशिया. एशिया इज द फर्स्ट कॉन्टिनेंट. सबसे पहला आपको याद रखना है, कैसे स्टार्ट होता है बेटा, ए, दैट इज द एशिया. एशिया इज द फर्स्ट कॉन्टिनेंट. सेकेंड अफ्रीका, व्हाट इज द नेम ऑफ सेकेंड कॉन्टिनेंट, अफ्रीका. आप लोगों ने सुना है ना, अफ्रीका में बहुत सारे जंगल रहते हैं, फॉरेस्ट है, राइट. इट इज द सेकेंड इज अफ्रीका. थर्ड इज
नॉर्थ अमेरिका, थर्ड इज नॉर्थ अमेरिका, फोर्थ इज साउथ अमेरिका। चलो कितने हो गए, चार हो गए, अभी और तीन बाकी है, राइट। सो टोटल मैंने कितने बोला था, सेवन, और हमें कितने अभी मिले हैं, चार। एशिया, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ अमेरिका, राइट। अब एक, अभी आप ग्लोब की तरफ देखो, ये जो हमारा इंडिया है ये किस में आ रहा है, एशिया में, राइट। आई विल जस्ट रोटेट द ग्लोब, राइट, एंड यू कैन सी, अब थोड़ा सा नीचे देखो बेटा, लुक एट दैट, व्हाट इज दिस व्हाइट कलर, दिस इज स्नो, राइट। व्हाट इज दिस वन, दिस इज स्नो, एंड दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्टिनेंट। क्या नाम है इसका, अंटार्कटिका। क्या नाम है इसका, एंड टिका। व्हाट इज द नेम ऑफ दिस कॉन्टिनेंट, एंटार्क्टिका। तो हमारे ग्लोब के ये ऊपर का पोल और ये नीचे का पोल, तो हम लोग अगर नीचे से देखेंगे तो देखो यहाँ पर एक व्हाइट कलर का पूरा स्नो है, यहाँ पर बहुत ठंडी रहती है, कोल्ड, इट इज कॉल्ड कोल्ड डेजर्ट। यहाँ देर इज नो विंड, नथिंग, ओनली देर इज स्नो नीचे, तो हम लोग इसको क्या बोलते हैं, व्हाट इज द नेम ऑफ दिस कॉन्टिनेंट, अंटार्कटिका। तो कितने हो गए, एशिया, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका एंड अंटार्कटिका, पांच तो हो गए। नाउ देर इज टू मोर, वन इज यूरोप, वन इज यूरोप, तो ये एरो निकाल देते, वन इज यूरोप, एंड द लास्ट वन इज ऑस्ट्रेलिया। व्हाट इज द नेम ऑफ द लास्ट वन, ऑस्ट्रेलिया, हो गए, राइट, वेरी इजी, राइट। सो एशिया, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप एंड ऑस्ट्रेलिया, विच इज द दैट इज कॉल्ड कूलेस्ट वन, जहां बहुत ठंडी है, स्नो है, अंटार्कटिका। व्हाट इज द नेम ऑफ दैट, अंटार्कटिका। तो अब हमें क्या याद रखना है, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, कॉन्टिनेंट्स। टुडे वी आर हैविंग फन लर्निंग द कॉन्टिनेंट्स। व्हाट आर द कॉन्टिनेंट्स, वन मोर टाइम, एशिया, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप एंड ऑस्ट्रेलिया, राइट। ऑल दिस कॉन्टिनेंट्स, दे आर मेड अप ऑफ मेनी कंट्रीज, दे आर मेड अप ऑफ मेनी कंट्रीज, एंड इन सेवन कॉन्टिनेंट द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट इज विच वन, जो सबसे बड़ा लैंड है वो कौन सा है, एशिया, फर्स्ट नंबर वाला जो सबसे पहला है एशिया, इसलिए हमने इनको पहले पढ़ा। एशिया को हम लोगों ने क्यों लिया पहले, ये लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है, एशिया कैसा है हमारा, लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है, ओके। तो अगर लार्जेस्ट पता है आपको, तो हम लोग बाद में स्मॉलेस्ट भी देखेंगे कि इन सेवन में से सबसे छोटा कौन सा है। अभी हमें कौन सा पता चला, एशिया, एशिया कैसा है, लार्जेस्ट वन। एशिया में कौन से कंट्रीज आते हैं, हमारा कंट्री इंडिया, इंडिया कम्स अंडर द, ये देखो हम लोग यहाँ देखते हैं, राइट, इफ यू सी द ग्लोब, ये हमारा इंडिया, राइट, इंडिया है, चाइना है, जापान है, ये हमारे सेवन कॉन्टिनेंट्स है ग्लोब पर। कौन से है, वहाँ एशिया, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप एंड ऑस्ट्रेलिया, ओके। तो ये देखा आप लोगों ने, दिस इज व्हाट आवर अर्थ, इस अर्थ का जो ये जो मैप है, अगर हम लोगों ने ऐसा स्ट्रेच कर दिया तो इस तरह से हमको सारे कॉन्टिनेंट्स दिखेंगे, कितने, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ओके, विच इज द लार्जेस्ट एंड द फर्स्ट वन, दैट इज कॉल्ड द एशिया, हम लोग ब्लू कलर से लिखते। व्हाट इज द नेम ऑफ दिस कॉन्टिनेंट, जो आपको सबसे बड़ा लग रहा है, दैट इज कॉल्ड ASIA, that is the Asia. Second is your which one? Green color से हम लोगों ने निकाला, that is called Africa. Second is which one? That is the Africa.
नाउ दिस वन दिस टू ये दोनों साथ में हैं. व्हाट इज द नेम ऑफ दिस थर्ड वन नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ अमेरिका. ओके सो दीज आर टू कॉन्टिनेंट दैट इज नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ अमेरिका. और ये देखो ये जो नीचे वाला हम लोगों ने ये देखो ग्लोब की तरफ जो देखो नीचे व्हाइट कलर का दिख रहा है आपको ये वाला दिस इज वी ड्रॉ हियर. ओके दिस इज अंटार्कटिका. ये कौन सा है दिस इज अंटार्कटिका. ओके और अंटार्कटिका के बाद दिस वन इज यूरोप. ये कौन सा है यूरोप और लास्ट वाला ऑस्ट्रेलिया. द लास्ट वन इज ऑस्ट्रेलिया. तो ये हो गए हमारे मैप पे सारे सेवन कॉन्टिनेंट्स. ओके एशिया अफ्रीका नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका अफ्रीका एंटार्क्टिका यूरोप एंड ऑस्ट्रेलिया. अब हम लोग देखते हैं इसको वन बाय वन. ओके सो फर्स्ट वी विल सी एशिया. हम लोग हमारे एशिया के बारे में देखते हैं बिकॉज यहां देखो यहां पर ये दिस इज द इंडिया. तो ये सारा जो दिख रहा है आपको ब्लू कलर में दिस इज विच वन दैट इज द एशिया. ओके एशिया इज द लार्जेस्ट एंड मोस्ट पॉपुलेस्ट. हम लोग यहां बहुत सारे पॉपुलेशन है. दीज आर द लार्जेस्ट एंड मोस्ट पॉपुलेटेड. बहुत लोग है यहां पर पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है यहां पर राइट. सो दिस इज द लार्जेस्ट सबसे बड़ा लग रहा है देखो अफ्रीका से भी बड़ा है और यूरोप से भी ऑस्ट्रेलिया से भी बड़ा इन एस्पेक्ट ऑफ लैंड साइज. सो एशिया इज लार्जेस्ट एंड मोस्ट पॉपुलेट. बहुत लोग है यहां पर राइट. यहां पर भी है पर यहां पर थोड़े कम है राइट. एंड दिस आर जो हमें ये ब्लू कलर के दिख रहे हैं ये सारे ओशंस है. ओशन हम लोग दूसरे इसमें फन लेक्चर में पढ़ेंगे. इसमें हम लोग क्या पढ़ रहे हैं सिर्फ कॉन्टिनेंट्स. ओके और क्या है आपके एशिया में द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन एशिया. आपको एशिया में कंट्रीज कितने हैं पहले हम लोग देखते हैं कि कंट्रीज कितने हैं. देर आर 48 कंट्रीज इन एशिया. हाउ मेनी कंट्रीज इन द एशिया देर आर 48 इन कंट्रीज इन एशिया. और सबसे ज्यादा पॉपुलेटेड कौन सा कंट्री है चाइना. एंड यहां पर हमारा है इंडिया. हमारे इसमें बहुत ज्यादा पॉपुलेशन है बहुत लोग है राइट. सो मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री तो बहुत है राइट. चाइना हो गया इंडिया है जापान है. सो ऐसी कितनी कंट्रीज है 48. तो कंट्रीज डिफरेंट है और कॉन्टिनेंट बहुत सारी जो कंट्रीज है साथ में आकर एक बड़ा कॉन्टिनेंट बनाते. तो हम लोग कौन सा पढ़ रहे हैं फर्स्ट वन इज एशिया. सो हाउ मेनी कंट्रीज आर देयर इन एशिया 48. ओके अब एशिया में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है कैसे पता चलता है कि वी आर एशियन राइट. सो एक तो हमारी लुक से राइट. सो हर कॉन्टिनेंट में हर एक ह्यूमन का या हमारा थोड़ा थोड़ा लुक अलग अलग रहता है. ओके तो हम लोग देखते हैं व्हाट इज द फेमस थिंग इन एशिया. गेस करो एशिया में सबसे ज्यादा फेमस कौन है आपको बहुत अच्छा लगता है यू वांट टू सी हिम राइट. एशिया में सबसे ज्यादा जो मिलने वाला है एनिमल है वो जो आपका फेवरेट है लुक एट गेस करो कौन है ये. ओके एलिफेंट. ओके एशिया का सिंबल क्या है. एशिया में सिंबल नहीं एशिया में सबसे ज्यादा मिलने वाला क्यूट वाला कौन सा है दिस इज द एलिफेंट. ओके सो लुक ही इज रूमिंग हियर एंड देयर इन एशिया राइट. सम ऑफ द एलिफेंट दे आर ऑल्सो फाउंड इन अफ्रीका. तो थोड़ा सा ये इधर भी जा रहा है अफ्रीका में राइट. बट एशिया में सबसे ज्यादा क्या मिलेगा आपको एलिफेंट राइट. सो लुक एट दैट एलिफेंट. यू कैन सी मेनी एलिफेंट्स इन केस ऑफ एशिया. सो एशिया का सबसे इंपॉर्टेंट चीज है व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एनिमल वी विल सी. बाकी भी एनिमल है लेकिन एशिया में सबसे ज्यादा कौन सा मिलता है
elephant. Look how cute is that, right? So this elephant you can see in the Asia. Okay, और क्या है एशिया में? एशिया में इंडिया है, और इंडिया में सबसे इंपॉर्टेंट है जो हमारे सेवन, अरे वन मोर टाइम, सेवन थिंग इज कमिंग, सेवन वंडर्स, राइट? सेवन वंडर्स पता है ना आपको? तो क्या क्या हो गया? सेवन डेज अ वीक, सेवन कॉन्टिनेंट एंड सेवन वंडर्स. वंडर्स का हम लोग बाद में देखते. सो एशिया में का जो सबसे ज्यादा मिलने वाला एनिमल है, जो आपको फेवरेट है, व्हाट इज द नेम ऑफ दैट एनिमल? एलिफेंट. एशिया बोला तो सबसे पहले आपके इसमें क्या आना चाहिए? एलिफेंट. ओके, एंड यू विल फाइंड द एलिफेंट मोर इन द एशिया. अब जो सेवन वंडर है हमारे, उस सेवन वंडर में से हमारे इंडिया का कौन सा वंडर है? ताजमहल. सो यू कैन सी ताजमहल इन इंडिया, दैट इज वन ऑफ द वंडर. अब इंडिया के बाजू में और एक कंट्री है चाइना, तो चाइना में भी एक वंडर है. व्हाट इज द नेम ऑफ दैट वंडर? ग्रेट वॉल ऑफ चाइना. बहुत लंबी वॉल बनाई है उन्होंने, राइट? दिस इज वन ऑफ द सेवन वंडर. सो आपको देखो, आप एशिया पढ़ते पढ़ते और सारी चीजें उसमें ऐड हो गई, राइट? तो एशिया कॉन्टिनेंट को आपको पहचानना है तो कैसा, क्या क्या याद रखना है आपको? सबसे बड़ा लैंड वाला, लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट, मोस्ट पॉपुलेटेड कॉन्टिनेंट, 48 कंट्रीज, और सबसे इंपॉर्टेंट यहां पर वंडर्स कौन से है दोनों? एक तो एलिफेंट इज नॉट अ वंडर, एलिफेंट इज द मोस्ट फाउंड एनिमल. ओके, लेकिन वंडर है इंडिया का ताजमहल और चाइना का ग्रेट वॉल ऑफ द चाइना, राइट? वन मोर थिंग आई वॉन्ट यू टू रिमेंबर किड्स. सो जो हमारे ग्रेट माउंटेन रेंजेस है, जिसका नाम है हिमालया, सो वर्ल्ड हाईएस्ट एंड लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंजेस है, वो कौन है? हिमालया. सो हिमालया कहाँ मिलता है आपको? एशियन कॉन्टिनेंट में. और हिमालया के रेंज में से एक जो सबसे ऊंचा वाला माउंटेन है सबसे वर्ल्ड में, उसका नाम है माउंट एवरेस्ट. माउंट एवरेस्ट. सो याद रखना है आपको, क्या याद रखना है आपको? सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट एशिया. एशिया में आपका क्यूट सा फ्रेंड कौन सा है? एलिफेंट. और टू वंडर्स याद रखने हैं, ताजमहल इन इंडिया एंड ग्रेट वॉल ऑफ चाइना इन चाइना. दैट इज इजी वन, राइट? सो दिस इज ऑल अबाउट द एशिया. और जो पूरे वर्ल्ड की सबसे हाईएस्ट माउंटेन रेंजेस है वो कौन सी है? हिमालयन रेंजेस. विच वन? हिमालयन रेंजेस. और उसमें एक माउंटेन जो सबसे बड़ा है, व्हाट इज द नेम ऑफ दैट? माउंट एवरेस्ट. इट इज वन ऑफ द माउंटेन विच कम इन द रेंज ऑफ हिमालया. सो आपको याद रखना है, सब लोगों को क्या याद रखना है? सबसे बड़ी माउंटेन रेंज जो है, माउंटेन रेंज यानी ये है, ये बड़ा माउंटेन, ये छोटा माउंटेन, ये बहुत बड़े जो माउंटेन्स है, ये सारे बड़े से माउंटेन्स यहां पर है आपके, राइट? और इसको हम लोग बोलते हैं हिमालयाज, राइट? सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. एंड देन इस हिमालयाज में एक माउंटेन जो सबसे लंबा है, दैट इज कॉल्ड माउंट एवरेस्ट. ओके, देन वन मोर थिंग यू हैव टू रिमेंबर, इन एशिया, देयर आर हंड्रेड्स ऑफ लैंग्वेज है. बहुत अलग अलग लैंग्वेज है एशिया में. चाइना में चाइनीज है, मैंड्रीन है. इंडिया में तो देखो, इंडिया में कितनी सारी लैंग्वेज है, लाइक 25-30 लैंग्वेज है, सो मेनी लैंग्वेज है. हिंदी है, मराठी है, इंग्लिश भी बोलते हैं हम लोग, राइट? गुजराती है, पंजाबी लैंग्वेज है, ऑल द लैंग्वेज वी आर स्पीकिंग, राइट? सो देर आर सो मेनी लैंग्वेज. सो एशिया इज द कॉन्टिनेंट इन विच देर आर सो मेनी लैंग्वेजेस. तो ये हो गया आपका फेवरेट और सबसे पहला वाला, लार्जेस्ट वाला, एशिया. सो एशिया बोलने के बाद आपको क्या क्या याद रखना है? एलिफेंट, हिमालयाज, वंडर में ताजमहल, ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, एंड फर्स्ट नंबर पे लार्जेस्ट वाला कॉन्टिनेंट, दैट इज द एशिया. सेकेंड इज विच वन? Africa. It is the Africa. यहां पर कितने कंट्रीज रहते हैं?
54। तो सेकेंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट कौन सा है? अफ्रीका। फर्स्ट वाला कौन सा था कॉन्टिनेंट? एशिया। सेकेंड वाला कौन सा है? अफ्रीका। सेकेंड लार्जेस्ट इज विच वन? अफ्रीका। सो अफ्रीका में सबसे ज्यादा क्या फेमस है? राइट, इन अफ्रीका। ओके, आपका फेवरेट चॉकलेट एंड आपके लिए डायमंड्स। ओके, सो जो डायमंड्स है, द डायमंड्स एंड चॉकलेट, ये ब्लिंकी ब्लिंकी वाले जो डायमंड्स है, राइट, और चॉकलेट जो आपको सबसे ज्यादा है पसंद, वो किधर आएंगे? अफ्रीका में प्रोड्यूस होते हैं। सो आपको डायमंड्स और चॉकलेट पूछा तो क्या बोलोगे? दैट इज अफ्रीका। और वर्ल्ड की सबसे लॉन्गेस्ट रिवर किधर है? लॉन्गेस्ट रिवर जो वर्ल्ड की है, दैट इज इन अफ्रीका। ओके, व्हाट इज द नेम ऑफ दिस रिवर? नाइल। हम लोग ये माउंटेन रेंज निकाल देते हैं, राइट। सो अफ्रीका में वर्ल्ड का सबसे लॉन्गेस्ट रिवर है, व्हाट इज द नेम ऑफ दैट रिवर? नाइल रिवर। ओके, और द अफ्रीका इज द वर्ल्ड लार्जेस्ट हॉट डेजर्ट है यहां पर, एंड व्हाट इज द नेम ऑफ दैट डेजर्ट? सहारा। व्हाट इज द नेम ऑफ दैट डेजर्ट? सहारा। सो दो चीजें आपको याद रखनी है अफ्रीका में। अफ्रीका में वर्ल्ड की लॉन्गेस्ट रिवर है और अफ्रीका में वर्ल्ड का लार्जेस्ट हॉट डेजर्ट है। व्हाट इज द नेम ऑफ दैट डेजर्ट? सहारा। व्हाट इज द नेम ऑफ रिवर? नाइल रिवर। ओके, और आपको फेवरेट आपकी जो चॉकलेट्स है, डायमंड्स है, वो आपका प्रोडक्शन सबसे ज्यादा किधर है? अफ्रीका में। सो अफ्रीका इज अ गुड कंट्री, यहाँ पर बहुत ज्यादा आपको रिवर मिलेगा देखने के लिए, यहाँ पर चॉकलेट्स है, डायमंड्स है, नॉट कंट्री, इट्स अ कॉन्टिनेंट। ओके, और इस अफ्रीका में कितने कंट्रीज है? 54। हाउ मेनी कंट्रीज आर देयर इन 54? सो फर्स्ट लार्जेस्ट एशिया, सेकेंड इज अफ्रीका। हाउ मेनी कंट्रीज आर देयर इन अफ्रीका कंटिनेंट? 54। तो अफ्रीका कंटिनेंट में आपको दो चीजें याद रखनी है, लार्जेस्ट हॉट डेजर्ट दैट इज सहारा एंड लॉन्गेस्ट रिवर दैट इज द नाइल। एक और है, फर्स्ट ह्यूमन, जो सबसे पहला हमारा ह्यूमन था, हमारे डैड, डैड के ग्रैंडपा, ग्रैंडपा के भी ग्रैंडपा, और उनके एंसिस्टर, पहले वाले जो सबसे पहला ह्यूमन बोलते, क्या बोलते उसको? ह्यूमन। वो कहाँ था, मिला था उनका? अफ्रीका में। सो फर्स्ट ह्यूमन कहाँ मिले थे? देन मिले यानी उनके प्रूफ मिले थे, वो यहां रहते थे करके, उनको हम लोग फॉसिल बोलते, राइट। सो दे लिव इन दिस कॉन्टिनेंट एट दैट टाइम, राइट। सो दिस इज अबाउट योर विच वन? सेकेंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट, दैट इज अबाउट द अफ्रीका, राइट। सो इन अफ्रीका टू थिंग आई वॉन्ट यू टू रिमेंबर ऑल द किड्स, राइट, इट्स फन। ओके, जस्ट रिमेंबर, अभी तो हमारा एशिया ही हो गया, अफ्रीका चल रहा है, राइट। तो अफ्रीका में आपको क्या याद रखना है? नाइल रिवर एंड डेजर्ट। व्हाट इज द नेम ऑफ डेजर्ट? सहारा एंड द फर्स्ट ह्यूमन, और आपका फेवरेट दैट इज कॉल्ड द डायमंड, उससे भी ज्यादा फेवरेट चॉकलेट, राइट। सो ये हो गया आपका सेकेंड कॉन्टिनेंट। अब हम लोग देखते हैं थर्ड कॉन्टिनेंट। व्हाट इज द नेम ऑफ थर्ड कॉन्टिनेंट? नॉर्थ अमेरिका, राइट। सो व्हाट इज द नेम ऑफ थर्ड कॉन्टिनेंट? नॉर्थ अमेरिका। ये नॉर्थ साइड में है ऊपर, और ये साउथ साइड में है, राइट। सो इसको नॉर्थ अमेरिका थर्ड कॉन्टिनेंट, साउथ अमेरिका फोर्थ कॉन्टिनेंट। सो फर्स्ट इज एशिया, सेकेंड इज अफ्रीका, एंड थर्ड इज नॉर्थ अमेरिका। और नॉर्थ अमेरिका में सबसे इंपॉर्टेंट, सबको याद आता है, डिज्नी वर्ल्ड, राइट। आप लोगों ने सुना है ना, डिज्नी वर्ल्ड जाना है मुझे, नाइग्रा फॉल देखने जाना है। सो डिज्नी वर्ल्ड तो सारे बच्चों को पसंद है। सो डिज्नी वर्ल्ड किधर है आपका? नॉर्थ अमेरिका में, राइट। नॉर्थ अमेरिका में आने वाली कंट्रीज, ओके, व्हाट इज द नेम्स ऑफ कंट्रीज? यूएसए है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका हो गया, कनाडा है, ये सब किधर है? नॉर्थ अमेरिका में। और वहीं पर आपका सबसे ज्यादा फेवरेट क्या है? डिज्नी वर्ल्ड। सो नॉर्थ अमेरिका में सबसे ज्यादा फेवरेट
आप बच्चों का क्या है, डिज्नी वर्ल्ड, डिज्नी वर्ल्ड, राइट। तो इस तरह से हम याद रखेंगे, दिस इज अवर मिकी माउस, सो डिज्नी वर्ल्ड इन नॉर्थ अमेरिका, राइट। और जो बहुत फेमस फॉल है नाइग्रा फॉल, सो नाइग्रा फॉल किधर है, कनाडा में, वो भी किधर आएगा, अमेरिका में। कौन सा अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, राइट। सो बच्चों डोंट कंफ्यूज, आप कंफ्यूज मत होना कि अमेरिका है, नो, इट इज द नेम ऑफ कॉन्टिनेंट, नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट एंड साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट। कंट्री का नाम क्या है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, राइट। सो यहां पर एक यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है, उसके ऊपर कनाडा है, सो ऑल दिस कंट्री वो सब पास पास में आके नॉर्थ अमेरिका बनाया, इधर साउथ अमेरिका है, राइट। सो दिस इज द नॉर्थ अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका में आपको सबसे ज्यादा आपका फेवरेट फेमस है डिज्नी वर्ल्ड, ओके, यू लाइक द डिज्नी वर्ल्ड, राइट। सो डिज्नी वर्ल्ड हो गया, वो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में है, नॉर्थ अमेरिका, राइट। और आपका नाइग्रा फॉल, राइट। एक स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी है इन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, वो भी किधर आएगा, आपके नॉर्थ अमेरिका में, राइट। एंड इफ यू रिमेंबर, एक आउल है, आई विल शो यू इस तरह से, कैसे, पेपर आउल, लुक एट हिम, राइट, हाउ फनी, इट इज मेड अप ऑफ पेपर, ओके। सो देखो ये क्या, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, आउल, पूरे वर्ल्ड का सबसे छोटा आउल, जिसको क्या बोलते हैं, एल्फ, क्या बोलते हैं उसको, एल्फ। व्हाट इज द नेम ऑफ वर्ल्ड स्मॉलेस्ट आउल, इट इज द ELF, एल्फ, राइट। सो दिस आउल, जब सबसे छोटा आउल पूरे वर्ल्ड का, आउल तो बहुत जगह मिलते हैं, हमारे इंडिया में भी मिलता है, जहां जहां फॉरेस्ट है वहां आउल मिलेंगे, राइट। बट वर्ल्ड का सबसे स्मॉलेस्ट आउल फेमस है नॉर्थ अमेरिका में मिलेगा, राइट। सो इन नॉर्थ अमेरिका द फेमस इज, जो एनिमल है वर्ल्ड स्मॉलेस्ट आउल, वो किधर मिलता है, दैट इज कॉल्ड एल्फ, उसको हम लोग क्या बोलते हैं वहां पर, एल्फ बोलते हैं। सो दैट इज, यू कैन सी, इन द नॉर्थ अमेरिका में मिलता है आपको, राइट। नाउ आफ्टर दिस वी विल सी साउथ अमेरिका, नॉर्थ, अब साउथ अमेरिका, अब हम देखते हैं फोर्थ वन, दैट इज साउथ अमेरिका। फोर्थ नंबर पे क्या आएगा आपका, साउथ अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका थर्ड कॉन्टिनेंट, फोर्थ पे आएगा साउथ अमेरिका, इट इज अ फोर्थ। देर आर मेनी कंट्रीज और वो सब मिलाकर एक कॉन्टिनेंट बनेगा, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, साउथ अमेरिका, राइट। और ये यहां पर सबसे ज्यादा फेमस, जैसे यहां पर आउल था, एशिया में एलिफेंट था, वैसे यहां पर क्या है, इन साउथ अमेरिका दिस इज द मोस्ट डेंजरस एनिमल, राइट। लुक एट हिम, एनाकोंडा, राइट। सो द वर्ल्ड लॉन्गेस्ट, राइट, एंड ह्यूज, दैट इज एनाकोंडा। और वो कहाँ मिलेगा आपको, साउथ अमेरिका, राइट। सो द वर्ल्ड लार्जेस्ट स्नेक, ह्यूज इन साइज, कितना बड़ा है देखो, राइट। एंड दिस इज मोस्ट डेंजरस, यू कैन फाइंड इन साउथ अमेरिका। क्यों क्यों साउथ अमेरिका में मिलता है, क्योंकि साउथ अमेरिका में वर्ल्ड का लार्जेस्ट रेन फॉरेस्ट, कौन सा फॉरेस्ट, वर्ल्ड का लार्जेस्ट रेन फॉरेस्ट, फॉरेस्ट क्या है, और लार्जेस्ट वाला रेन फॉरेस्ट, तो हम लोग यहां पर ट्रीज निकालते बहुत ज्यादा, राइट। सो द वर्ल्ड लार्जेस्ट रेन फॉरेस्ट कहाँ मिलता है आपको, दैट इज इन साउथ अमेरिका। इतना बड़ा, यहाँ डेजर्ट है, आपके अफ्रीका में वर्ल्ड का सबसे हॉट डेजर्ट है, लेकिन यहाँ क्या है, वर्ल्ड लार्जेस्ट, दैट इज कॉल्ड रेन फॉरेस्ट। तो यहाँ पर बहुत ज्यादा पानी भी है, इसलिए बहुत ज्यादा ट्रीज है, और इसलिए वहां पर फॉरेस्ट है, और फॉरेस्ट में क्या मिलेगा आपको, कौन सा एनिमल मिलेगा, एनाकोंडा।
एनाकोंडा यू कैन ओनली फाइंड हियर. जैसे स्मॉलेस्ट एल्फ आउल कहाँ मिलते हैं आपको? नॉर्थ अमेरिका में, राइट. तो यहां पर क्या मिलेगा आपको? दैट इज एनाकोंडा, राइट. सो और इस रेन फॉरेस्ट का नाम गेस करो क्या है? एनीबडी नो द नेम ऑफ द फॉरेस्ट? बहुत फेमस फॉरेस्ट है. व्हाट इज द नेम ऑफ दैट फॉरेस्ट? अमेज़न. व्हाट इज द नेम ऑफ दिस फॉरेस्ट? अमेज़न. क्या नाम है अमेरिका, साउथ अमेरिका में जो वर्ल्ड का लार्जेस्ट फॉरेस्ट मिल रहा है, रेन फॉरेस्ट? उस रेन फॉरेस्ट का नाम है अमेज़न. क्यों नाम है इसका अमेज़न? क्योंकि यहाँ पर एक रिवर है. जैसे यहाँ पर नाइल रिवर है, वैसे यहाँ पर कौन सी रिवर है? अमेज़न रिवर. ओके, सो आई विल ड्रॉ वन मोर रिवर हियर. व्हाट इज द नेम ऑफ दैट रिवर? अमेज़न रिवर. फॉरेस्ट का नाम भी अमेज़न फॉरेस्ट, रिवर का नाम भी अमेज़न रिवर, राइट. सो लॉन्गेस्ट नाइल यानी लंबी वाली नाइल है. लेकिन अमेज़न किस लिए फेमस है? वॉल्यूम के लिए. बहुत बड़ी है, ऐसी मोटी है एकदम. दैट इज द इट इज द वर्ल्ड लार्जेस्ट वॉल्यूम वाली रिवर है, राइट. ये लंबी वाली और ये मोटी वाली, राइट. सो दिस इज द लॉन्गेस्ट एंड दिस इज द ब्रॉडेस्ट वन. विच वन? द अमेज़न रिवर. सो देखो वर्ल्ड का बेटा लॉन्गेस्ट रिवर किधर हो गया? अफ्रीका में, जिसका नाम नाइल है. और वर्ल्ड का सबसे ब्रॉडेस्ट रिवर कौन सा है? दैट इज अमेज़न रिवर. तो इतना ब्रॉड रिवर है तो बहुत पानी है, ऊपर से रेन भी आता है, तो बहुत फॉरेस्ट है. और उस फॉरेस्ट में मिलेगा आपको एनाकोंडा. एनाकोंडा आपको कहीं नहीं मिलेगा, सिर्फ कहां मिलेगा? साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में मिलेगा, राइट. सो दिस इज अबाउट योर विच वन? फोर्थ कॉन्टिनेंट, विच इज द साउथ अमेरिका, राइट. एंड व्हाट इज द नेम ऑफ द फॉरेस्ट? अमेज़न रेन फॉरेस्ट. व्हाट इज द नेम ऑफ रिवर? अमेज़न रिवर, राइट. एंड व्हाट इज द नेम ऑफ द कॉन्टिनेंट? ए पर से अमेज़न, ए पर से एनाकोंडा, ए पर से अमेरिका. कौन सा अमेरिका? साउथ अमेरिका है. कैसे याद रखना है? अमेरिका, एनाकोंडा, अमेज़न, राइट. सो दिस इज ऑल अबाउट योर विच वन? द फोर्थ कॉन्टिनेंट. फर्स्ट वाला एशिया, सेकेंड वाला अफ्रीका, थर्ड वाला नॉर्थ अमेरिका डिज्नीलैंड, राइट, और फोर्थ वाला साउथ अमेरिका. अब हम लोग जाते हैं फिफ्थ नंबर के ऊपर. एशिया हो गया, अफ्रीका भी हो गया, राइट, अमेरिका हो गया, नॉर्थ अमेरिका हो गया, साउथ अमेरिका हो गया. चार हो गए हमारे कॉन्टिनेंट्स. ओके, अभी सिर्फ तीन बचे हैं, राइट. थ्री आर रिमेनिंग. Who is this moving here and there? We will see who is this. Okay. Now your which one? That is the fifth one. Okay. The fifth one that is Antarctica. हम लोगों ने जब ग्लोब देखा था ना, what is the globe? जब हमारा अर्थ देखा था तो मैंने बोला था जो नीचे है, right? सबसे ज्यादा जहां पर what is that called? Snow होता है, वहां पर कोई लोग रहने नहीं जाते. That is which one? Antarctica. What is that? That is the Antarctica. So fifth is Antarctica, covered with ice. और जहां पर हर जगह आइस है वहां पर हम लोग कैसे रहने जाएंगे, राइट. सो वट इज द नेम ऑफ दैट फिफ्थ कॉन्टिनेंट? अंटार्कटिका. इसलिए हमने उसे सबसे नीचे निकाला है, राइट. सो दैट इज आइस कवर्ड कॉन्टिनेंट. होल कॉन्टिनेंट इज आइस कवर्ड. एंड लुक एट दैट. He just roaming here and there, right? So guess who is this? Yes, anybody? देखो आगे वापस आ गया, right? So this is our favorite. What is the name that? Penguin. These are the penguins, okay? ये तो अभी पूरे जगह घूम रहा है, लेकिन ये आपको कहाँ मिलेगा? Antarctica में मिलेगा, right? Because क्योंकि penguin किधर रहते हैं? That is only in snow and cold. उनका बॉडी ऐसे बना है कि ठंडी में रहेगा करके, राइट. वो तो रुक ही नहीं रहा है, राइट. लेकिन आप उसको भी देखो और इधर सुनो, राइट. लिसन हियर. ओके, सो द फिफ्थ वन घूम रहा है, वापस घूम रहा है. दैट इज विच वन? दैट इज कॉल्ड अंटार्कटिका. सो फिफ्थ वन इज विच वन? अंटार्कटिका.
एंड व्हाट इज द एनिमल, कौन सा एनिमल है यहाँ पर? पेंगुइन आ गया, इधर उधर जा रहा है वो, राइट? सो दैट इज द पेंगुइन. ओके, सो अंटार्कटिका कैसा है? पूरा आइस से कवर्ड है. सो अंटार्कटिका इज कवर्ड विद द आइस. बहुत ज्यादा विंडी है, बहुत ज्यादा विंडी है अंटार्कटिका, और वहां पर हर जगह आइस है. अंटार्कटिका में पूरा डेजर्ट है. लेकिन जब भी हम लोग डेजर्ट बोलते तो आपको क्या रहता है? डेजर्ट कैसे रहते? हॉट रहते. डेजर्ट कैसे रहते? हॉट रहते, राइट? बट अंटार्कटिका कैसा डेजर्ट है? कोल्ड डेजर्ट. डेजर्ट क्यों बोलते हैं हम लोग? जहां पर रेन नहीं आएंगे, जहां पर रेनफॉल नहीं होता, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? डेजर्ट बोलते, राइट? सो ही इज हैप्पी. ओके, सो डेजर्ट किसको बोलते हैं? जहां पर रेन नहीं है. तो अंटार्कटिका में भी रेन नहीं आती, तो इसको कौन सा डेजर्ट बोलेंगे? कोल्ड डेजर्ट. अंटार्कटिका को कौन सा डेजर्ट बोलते हैं? कोल्ड डेजर्ट. व्हाट इज कॉल्ड? कोल्ड डेजर्ट. क्योंकि यार बहुत कम रेन आती है, राइट? बहुत कम रेन आती है, जैसे डेजर्ट में बहुत कम आती है वैसे यहां पर भी. लेकिन ये कैसा डेजर्ट है? दिस इज द कोल्ड डेजर्ट. विंडीज, ड्राइज, आइस कवर्ड. यहाँ पर कोई नहीं रहता, ओनली साइंटिस्ट लिव हियर. और साइंटिस्ट लोग क्यों रहते हैं यहाँ पर? रिसर्च करते अलग अलग चीजों का, राइट? सो रिसर्च करने के लिए स्पेशल टाइप के, दैट इज वहां पर उनके लिए हाउस बनाए जाते हैं, वहां पर वो ठंडी में वो हाउस में अच्छे से रह सके, राइट? सो वहां पर कोई रहने नहीं जाता, वहां पर सिर्फ साइंटिस्ट लोग रहने जाते हैं फॉर द रिसर्च. सो दिस इज विच वन? योर फिफ्थ नंबर कॉन्टिनेंट, दैट इज कॉल्ड अंटार्कटिका. अब जहां पर लोग रहने ही नहीं जाते तो वहां के ज्यादा कंट्रीज नहीं है, तो एक कॉन्टिनेंट है, और इस कॉन्टिनेंट को हम लोग क्या बोलते हैं? कोल्ड डेजर्ट. बहुत घूम रहा है ये, राइट? सो दिस इज, ही इज एंजॉइंग, राइट? द पेंगुइन इज एंजॉइंग. अकेला है, देयर इज नो वन देयर. सो पेंगुइन इज एंजॉइंग इन अंटार्कटिका, राइट? सो दिस इज ऑल अबाउट योर, आपको हाउसेस पता है जो पोलर साइड में रहते हैं, उनको क्या बोलते हैं? इग्लू बोलते हैं, राइट? व्हाट यू कॉल देम? इग्लू. उसके अंदर वो रहते हैं, राइट? तो दिस आर स्पेशल हाउसेस. बट द इम्पोर्टेंट थिंग इज इट्स अवर फिफ्थ वन. एशिया, अफ्रीका, विच वन? नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, एंड दिस वन दैट इज कॉल्ड द कोल्ड डेजर्ट, दैट इज अंटार्कटिका. लुक, ही इज वेरी हैप्पी, राइट? Now your sixth number, तो हमारा ये पेंगुइन वाला निकाल देते हैं, अंटार्कटिका वाला. अब हम लोग देखते हैं हमारा फिफ्थ नंबर वाला. What is that called? Europe. Not fifth, sorry. Sixth number वाला कौन सा है? Europe. Fifth वाला हमारा अंटार्कटिका था. Now sixth number is the Europe. Europe में as good as like 50 countries रहते हैं. सबसे largest country है पूरे वर्ल्ड में, सबसे लार्जेस्ट कंट्री बाय एरिया वाइज इज द रशिया. आपको यहाँ पर एक कंट्री मिलेगा, व्हाट इज द नेम ऑफ दैट कंट्री? रशिया. एरिया वाइज यहाँ का सबसे लार्जेस्ट कंट्री कौन सा है? रशिया. और पूरे वर्ल्ड में जो सबसे छोटा सा कंट्री है, उस कंट्री का नाम है वेटिकन सिटी. व्हाट इज द नेम ऑफ दैट कंट्री? दैट इज वेटिकन सिटी. वर्ल्ड smallest country, okay? City बोलते हैं, but that is why it is called city, okay? तो आपको क्या याद रखना है? Sixth number पे आएगा Europe. Europe एक continent है, और इस continent में सबसे largest by area कौन सा country है? Russia. और सबसे छोटा, पूरे world में अगर आपको पूछेंगे सबसे छोटा country बताओ, तो आपको क्या बोलना है? Vatican City. What is the name of that country? वेटिकन सिटी. हम लोगों ने पोप का नाम सुना है ना, वहां पर पोप रहते हैं, दे विल गिव यू गुड एडवाइस, आपको अच्छी अच्छी बातें सिखाते हैं, राइट? ओके, सो उस कंट्री का नाम है वेटिकन सिटी. छोटा कंट्री है यहाँ पर यूरोप में. व्हाट इज द नेम ऑफ दैट कंट्री? वेटिकन कंट्री. अगर आप लोगों ने सुना होगा तो आईफिल टावर जो है, राइट? दैट आईफिल टावर, वो आईफिल टावर भी किधर है? दैट इज इन यूर विच वन? दैट इज इन यूरोप. ओके, फ्रांस में. यूर विच वन? दैट इज द
I feel no desert here, right? There is no desert in Europe. So this is all about the Europe. तो यूरोप बोलो तो आपको सबसे पहले क्या याद रहने, सबसे लार्जेस्ट वाला कंट्री रशिया एरिया में और सबसे स्मॉलेस्ट वाला कंट्री दैट इज वेटिकन सिटी. आईफिल टावर भी इसमें ही आएगा. अब जाते हैं हमारे लास्ट वाले कॉन्टिनेंट में. लास्ट वाला कॉन्टिनेंट देखते हैं अभी सेवन. चलो देखो तो ऐसे धीरे 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 सारे कॉन्टिनेंट खत्म हो गए. अब हम लोग देखते हैं लास्ट वाला कॉन्टिनेंट दैट इज ऑस्ट्रेलिया स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट. वो देखो यहाँ पर हम लोगों ने स्मॉलेस्ट कंट्री देखा है. व्हाट इज द नेम ऑफ स्मॉलेस्ट कंट्री? वेटिकन सिटी. लेकिन आज हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? कॉन्टिनेंट. जो सबसे सेवन सेवन कौन से तुम्हारे? एशिया अफ्रीका नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका राइट. उसके बाद कौन सा है? अंटार्कटिका. बहुत पेंगुइन डांस वाला ओके. अंटार्कटिका के बाद यूरोप एंड लास्ट वाला ऑस्ट्रेलिया. लुक समबडी इज लुकिंग टुवर्ड्स द ऑस्ट्रेलिया. गेस देखो गेस करो कौन सा है ये एनिमल? दैट इज कांगारू. इफ यू लुक एट दैट this is which one? That is kangaroo, right? So kangaroo, it is the well known only animal you can see in Australia. इसको कहीं पर भी आप इसको देख नहीं सकते. Kangaroo is only seen in the that is called the Australia. Okay? बाकी भी एक koala करके animal है वहां पर. Okay? So इसको world का smallest continent बोलते हैं. क्या बोलते हैं इसको? World का स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट. वर्ल्ड स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट इज ऑस्ट्रेलिया. ए पर से स्टार्ट किया ए पर पे खत्म किया. वर्ल्ड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट इज एशिया और सबसे छोटा वाला कौन सा है? दैट इज द ऑस्ट्रेलिया. और ऑस्ट्रेलिया जैसे ही आएगा तो आपको क्या निकालना है, क्या याद रखना है? कंगारूज. ओके दैट्स अ वेल नोन. सो दिस इज ऑल अबाउट योर विच वन. तो ये हो गया आपका कंगारू विच इज फाउंड इन द ऑस्ट्रेलिया राइट. अब हम लोग देखते हैं हमारे वर्ल्ड में लैंड कैसे फॉर्म हुई. अर्थ पर, अर्थ पे तो पानी ही था. सो हाउ द लैंड इज फॉर्मिंग ऑन द अर्थ, वो बहुत इंपॉर्टेंट है. हम लोग देखते हैं अभी. सो लुक एट हियर, ये है हमारी लैंड राइट. ट्रीज है, रिवर है. अभी ऑस्ट्रेलिया निकाल देते हैं हम लोग, ऐसे हम लोग रहते हैं. माउंटेन्स है, लंबी सी रिवर है, ब्रिजेस है. दिस इज हाउ वी लिव ऑन द अर्थ. एक शॉर्ट में हम लोग देखते हैं कि तुम हमारे पूरे अर्थ में तो क्या था? पूरा वाटर था. फिर लैंड कैसे आई? अंदर बहुत हॉट लावा फ्लूइड था. सो अर्थ कैसे धीरे 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 आई? लैंड कहाँ से आई? कॉन्टिनेंट कहाँ से बने? ये देखते हम लोग शॉर्ट में देखते राइट. You see, this is the water. Okay, so water is moving, and you can see this is the land here. This is the land which is formed. तो ये नीचे से ऊपर land आई किधर से? ठीक है, देखो अभी नीचे देखो. What is this? ये पूरा नीचे क्या है? Lava है earth के नीचे. And when there is a volcano, lava बाहर आएगा. And there is a formation of land on the. देखो कैसे कैसे mountain form हो रहे, land form हो रही है आपके earth पर. और वो किधर से आई थी? नीचे से. दिस इज रेड हॉट लावा. ये धीरे धीरे वोल्केनो से बाहर आएगा. नाउ यू कैन सी, देखो बाहर आ गया. एंड देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ लैंड. और ये सारी लैंड धीरे धीरे ज्वाइन करके क्या बने अपने अर्थ के ऊपर? कॉन्टिनेंट्स. क्या बने? दैट इज कॉल्ड द कॉन्टिनेंट. सो हाउ मेनी कॉन्टिनेंट्स आर देयर? सेवन कॉन्टिनेंट राइट. सो दिस इज ऑल अबाउट योर विच वन. How many continents are there? Chalo abhi. Now we will do some brainly exercise. It's quiz time. It is quiz time. Chalo, hum logon ne kya padhe the? Today we learn continents and we like the continents. How many continents are there? Seven. So I drew some picture here and you have to look at the picture and guess the continents. Okay, so how many picture we draw here? I draw here 1 2 3 4 5 6
and 7. So this is the first one, the baby elephant dancing. What's the name of continents where you will get the elephant? Yes, any guesses? It is Asia. What is that? This one is Asia. First largest one. Okay. Now the second one. Search here. The first, remember, which is the second continent? Africa. And what you will see here from the Africa? Guess what? Guess what? Okay. Chocolates? No, I don't have chocolates here. The forest, desert. I don't have the desert here. The longest river in Africa, that is Nile. But I don't have a river here. So what I have here on the board? Diamonds. What is that? Diamonds. Okay. So in Africa, there are the diamonds. So this is for Asia and diamond is for Africa. Okay. Now the North America. In North America, what do you find? North America, your favorite. Disney World in Canada, Niagara Fall. But I don't draw here any Disney World or Niagara Fall. So how will you remember which character or which picture is for the North America? This one, this is what? The owl, the world's smallest owl. What is the name of that owl? Elf. It is the elf one. So Asia, elephant, Africa, diamond, third one, elf, the smallest owl. Now for the South America. South America mein kya kya hai sabse important? Amazon River, the widest river, the largest river, not longest, it's the largest one. Forest hai, rainforest hai, Amazon River hai, Amazon forest. So what I have from the South America? Anaconda. A for anaconda, A for Amazon, and A for America. This is your anaconda, that is from your the fourth continent. Now remember the fifth continent, no one is living there. It's a cold desert and there must be something which is dancing at that time. Look at here, the penguin still dancing, right? So penguin, they are from Antarctica. So this is your which one? Fifth continent. Who is living there? No, there is only a scientist, they are living there, and the animal like this. Okay, so this is your which one? Penguin from the Antarctica. Two more. One is called Europe and second, the last one, which is Australia. The sixth continent is the Europe. Europe hone ke baad, largest country, smallest country. Largest country, Europe, Russia. And the smallest one, Vatican City. The smallest one, Vatican City. Aur kya famous hai tumhare sixth continent mein, Europe mein? Eiffel Tower. This is a tower which is called Eiffel Tower. Now the last one, the smallest continent. Okay. In that, this is the smallest one. Which is the famous animal? There is only one remaining, that is called kangaroo. So you can see kangaroo only in case of Australia. Look at the kangaroo. This is the bag. Okay, pouch hai. Jisme kya rehta hai? Baby kangaroo. Jisme kya rahega? That is the baby kangaroo in that pouch. Okay, so this is a mother, this is a baby kangaroo. So this is about your which one? All the seven continents. Asia, that is Asia, Africa, okay, North America, South America, Antarctica, Europe, and the last one is Australia. So you have a fun today learning continent? Yes. So I will, once again, I will come with some new topic. Myself, Dr. Santosh, okay, and our BioNet Kid Zone will come with new videos. Okay. So don't forget to subscribe the channel. Okay. And you will get more and more videos. You can learn from the home and you can
enjoy all the general knowledge. Bye bye, kids.